Today we are going to prove De Moivre's theorem. Its statement is, if n is any integer, whether it is positive or negative, then cos theta plus iota sin theta whole power n, this is equal to cos n theta plus iota sin n theta. So we will prove it by taking two cases. First, when n is positive integer, and second, when n is negative integer. So I will write case first, when n is a positive integer. We shall prove this result by mathematical induction. For mathematical induction, we will prove the result will true for n equal to 1. So humne kya kiya, n ko le liya for n equal to 1. जब n को 1 ले लिया, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, cos theta plus iota sin theta, n क्या है 1, तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली cos theta plus iota sin theta. तो इसको हम कर देते हैं स्टेप 1, क्योंकि हमको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, तो वी टेक दिस एज स्टेप 1. देयरफॉर हम लिखेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने मान लेना है कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m. ये हमने क्या किया, सपोज कर लिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस iota sin थीटा. अब देखो n को क्या मान लिया m, तो यहाँ क्या आ गया m, ये क्या आ जाएगा cos m थीटा प्लस iota sin m थीटा. अब हमने क्या करना थर्ड स्टेप में, टू प्रूव द रिजल्ट विल ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1. तो हमने ये क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि जो रिजल्ट है n इक्वल टू m के लिए क्या हो, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हो. तो हमने क्या किया, यहाँ लिख लिया cos थीटा प्लस iota sin थीटा, यहाँ कर दिया m प्लस 1. अब इसकी पावर को ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो cos थीटा प्लस iota sin थीटा होल पावर m इंटू cos थीटा प्लस iota साइन थीटा. हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में देखो ये माना है कि ये रिजल्ट क्या है, n इक्वल टू m के लिए ट्रू है. तो यानी अगर पावर m बन जाती है तो क्या आ जाएगा, cos m थीटा प्लस iota sin m थीटा. तो ये दिस विल कन्वर्टेड इनटू cos m थीटा प्लस iota sin m थीटा इनटू cos थीटा प्लस iota sin थीटा. ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा स्टेप सेकेंड से. तो अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना. तो क्या आ जाएगा, कॉस एम थीटा कॉस थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एटा कॉस एम थीटा साइन थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, एटा साइन एम थीटा cos थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो iota iota के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, iota स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ हमारे पास आके आ जाएगा sin m थीटा sin थीटा. अब क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग सेपरेट कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग लिख लेते हैं. तो क्या आ जाएगा, cos m थीटा cos थीटा माइनस sin m थीटा साइन थीटा, और इन दोनों टर्म्स में मैंने क्या किया, आयोटा को कॉपी कर दिया. तो यहाँ क्या आ गया, कॉज एम थीटा साइन थीटा प्लस साइन एम थीटा कॉज थीटा, ये आ गया मेरे पास. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या फार्मूला होता हमारे पास, कॉज ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी
माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ देखो क्या है, कॉस ए हमारा एम थीटा हो गया, बी क्या हो गया थीटा हो गया। तो कॉस ए प्लस बी यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस एम थीटा प्लस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, मुझे पता है क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटा साइन एम थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ से थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एम प्लस वन थीटा प्लस एटा साइन एम प्लस वन थीटा। तो देखो हमने क्या प्रूव करना क्या था, कि ये जो रिजल्ट है एन इक्वल टू एम प्लस के लिए क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो देखो यहाँ पे एम प्लस वन था, यहाँ भी क्या आ गया, एम प्लस वन एम प्लस वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन। हैंस बाय पी एम आई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमने क्या किया था, फर्स्ट केस किया था जब एन क्या है हमारे पास, व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब आते हैं केस सेकंड पे, केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड में हमने क्या किया, व्हेन एन इज ए नेगेटिव इंटीजर। सेकेंड केस क्या है कि n हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो n को मान लेते लेट n इक्वल टू माइनस एन, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने n को क्या किया, माइनस m मान लिया, m क्या है पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो यानी कि n हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया। तो यानी अगर मैं इसको प्रूव करता हूँ, cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा इसकी पावर एन, तो एन किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, एम के साथ। तो क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा इसकी पावर क्या आ गई, माइनस एम। इसको लिख सकते हैं हम वन बाय कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा पावर एम। अब देखो एम क्या है, इंटीजर, और एम क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो बाय फर्स्ट केस वी कैन राइट दिस एज कॉस एम थीटा प्लस एटा साइन एम थीटा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्या आनी चाहिए, न्यूमिनेटर में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्या है हमारे पास, कॉस एम थीटा प्लस एटा साइन एम थीटा, रैशनलाइज कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, कॉस एम थीटा माइनस एटा साइन एम थीटा, कॉस एम थीटा माइनस एटा साइन एम थीटा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, कॉस एम थीटा माइनस एटा साइन एम थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी क्या आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट मीन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर एम थीटा माइनस एटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एम थीटा। अब एटा स्क्वेयर हमको पता है किसके बराबर होता है, एटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या आ गया, कॉस एम थीटा माइनस एटा साइन एम थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर एम थीटा प्लस साइन स्क्वेयर एम थीटा। यानी क्या आ गया हमारे पास, कॉस एम थीटा माइनस एटा साइन एम थीटा। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज कॉज ऑफ माइनस एम थीटा प्लस एटा साइन माइनस एम ऑफ
थीटा, बिकॉज वी नो कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एम थीटा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन एम थीटा, कॉस वाला तो क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यानी अब माइनस एम को हम क्या करें, माइनस एम को अब रिप्लेस कर देते हैं एन के साथ, तो क्या आ गया, कॉस एन थीटा प्लस एयोटा साइन एन थीटा। तो ये क्या हो गया, डी मोबियर्स थ्योरम प्रूव होगी, हैंस प्रूव्ड। तो ये था डी मोबियर्स की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। आई होप यू विल लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।